बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जो सेकंड नेम है वो ल्यूकोसाइट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, दे आर कलरलेस। कहते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वो बेरंग होते हैं। एंड दे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, और ये कोई भी पिगमेंट जो है वो नहीं रखते हैं। इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता, दे आर कलरलेस। ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। एंड दे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, और इनमें कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होता। वन क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स 7,000 to 8,000 वाइट ब्लड सेल्स। तो कहते हैं कि जो एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड होता है उसमें 7,000 से लेकर 8,000 तक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो एक क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर 7,000 से 8,000 तक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। देयर लार्ज फॉर्म रेंजेस फ्रॉम मंथ्स टू इवन इयर्स। तो कहते हैं कि इसकी जो एवरेज लाइफ स्पान होती है, जो इसके ज़िंदगी का दुरानिया होता है, वो कहते हैं कि महीनों से लेकर यहाँ तक कि ये सालों तक होता है। डिपेंड्स ऑन द बॉडी स्टेज, और ये इनसार करता है कि जिस्म को इसकी कितनी ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक कहता है कि इसकी ज़िंदगी का दुरानिया होता है महीनों से कुछ साल तक। नेक्स्ट जो बात करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स फंक्शन एज द मेन एजेंट्स इन बॉडीज डिफेंस सिस्टम। वाइट ब्लड सेल्स जो है इनका एक अहम बुनियादी काम ये है कि ये हमारे जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम होता है, कुव्वत का, कुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है, दिफा का जो निज़ाम है, जरासीम के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, उसके अगेंस्ट ये एक बुनियादी एजेंट का काम करता है। और ये दिफा करता है हमारे जिस्म का उन जरासीमों के खिलाफ, उन बीमारियों के खिलाफ। तो ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स का एक अहम फंक्शन है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स की कहते हैं कि दो बड़ी इकसाम हैं। पहली जो है वो हमारे पास है ग्रैन्यूलोसाइट्स। ग्रैन्यूलोसाइट्स की बात करें, ग्रैन्यूलोसाइट्स दे हैव ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। तो कहते हैं कि जो ग्रैन्यूलोसाइट्स है उनमें क्या होता है, जो उसका साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे वाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म जो ग्रैनुलर होते हैं, दानेदार होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास ग्रैन्यूलोसाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो वो बात करता है कि इसमें जो शामिल है ग्रैन्यूलोसाइट्स की इकसाम वाले वाइट ब्लड सेल्स जो इनमें शामिल है, वो कहते हैं कि न्यूट्रोफिल्स। तो पहले कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स। इनका फंक्शंस क्या है, फंक्शंस क्या है न्यूट्रोफिल्स का, कहते हैं डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स बाय फैगोसाइटोसिस। कि स्मॉल पार्टिकल्स है उनका ये खात्मा करते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर हम फैगोसाइटोसिस की बात करें तो इसका मतलब होता है इंजेशन का, इंगल्फ करने का, निगलने का, सेल के अंदर किसी चीज़ को दाखिल करने का जो अमल होता है वो फैगोसाइटोसिस। अगर हम इसमें सॉलिड मटेरियल की बात करते हैं वो कहते हैं कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो स्मॉल पार्टिकल्स का खात्मा करता है और उनको ये निकल जाता है फैगोसाइटोसिस के जरिए। नेक्स्ट जो वो हमारे पास है इओसिनोफिल्स, ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड किल पैरासाइट्स। तो जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से जिस्म में कोई सोजिश होती है, तो उनका ये खात्मा करते हैं एंड किल पैरासाइट्स, और ये पैरासाइट्स का खात्मा करते हैं, पैरासाइट्स को मार देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बैसोफिल्स हैं, बैसोफिल्स प्रीवेंट ब्लड क्लॉटिंग। बैसोफिल्स होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या करते हैं, प्रीवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग होने से ये बचाते हैं, कि खून को जमने से जो बचाने वाले हैं वो बैसोफिल्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, ए का मतलब होता है नॉट विदाउट, के बगैर इसके, किसके ग्रैन्यूलोसाइट्स,
कि इनके साइटोप्लाज्म में नहीं है, क्या नहीं है, ग्रैन्यूल्स नहीं है, ग्रैनुलर नहीं है, तो क्या है वो, कहते हैं क्लियर साइटोप्लाज्म। तो ये जो किस्म है व्हाइट ब्लड सेल्स की, एक ग्रैनुलोसाइट्स की, तो कहते हैं कि इनमें साइटोप्लाज्म जो दानेदार नहीं होता बल्कि ये क्लियर होती है। नेक्स्ट जो वो कहते हैं इसमें जो शामिल है वो है मोनोसाइट्स, प्रोड्यूस मैक्रोफेजिस विच इंगल्फ जर्म्स। तो मोनोसाइट्स जो किस्म है वो कहते हैं कि वो क्या करती है, प्रोड्यूस मैक्रोफेजिस, ये मैक्रोफेज बड़े जब वो हमारे पास ये सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, विच इंगल्फ जर्म्स, तो ये क्या करते हैं, निगलते हैं जर्म्स को। नेक्स्ट हमारे पास है बी एन टी लिम्फोसाइट्स, बी एन टी लिम्फोसाइट्स की बात करें, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड किल जर्म्स। बी एन टी लिम्फोसाइट्स ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज को पैदा करती है, और एंटीबॉडीज जो है ये क्या करती है, ये जरासीम का खात्मा करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, इसका सेकंड नेम है, वो कहते हैं दे आर नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं है, दे आर फ्रैगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो। तो कहता है कि ये सेल्स नहीं है बल्कि ये क्या है, ये बड़े फ्रैगमेंट्स है, बड़े हिस्से है, बड़े टुकड़े किसके, बोन मैरो, तो बोन मैरो के जो लार्ज सेल्स हैं उनके लिए फ्रैगमेंट्स हैं, उनके लिए टुकड़े हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। तो ये जो लार्ज फ्रैगमेंट्स हैं इन्हीं की बुनियाद पर हम इन्हें मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस और एनी पिगमेंट। तो कहते हैं ये जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही इनमें कोई पिगमेंट होता। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेंस 250,000 प्लेटलेट्स। तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर जो ब्लड होता है वो रखता है 250,000 प्लेटलेट्स। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं एवरेज लाइफ स्पॉन ऑफ प्लेटलेट्स आर 7 to 8 days। तो एवरेज जो लाइफ स्पॉन है जो जिंदगी का दौरानिया है इनका वो है 7 to 8 days। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये खून को जमने में किरदार अदा करते हैं। इसी के बरक्स जो हमने बात की अभी बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स क्या करते हैं, प्रीवेंट ब्लड क्लॉटिंग, तो वो खून को जमने से रोकते हैं, लेकिन ये उसके अपोजिट है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये जिम्मेदार है ब्लड क्लॉटिंग के, या ब्लड क्लॉटिंग में मददगार साबित होती है। द क्लॉट सर्व एज अ टेम्परेरी सील एट द डैमेज एरिया। जो क्लॉट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग जो किरदार अदा करता है, तो अगर कोई डैमेज एरिया हो किसी जगह पर चोट लगे तो यहाँ पर एक टेम्परेरी सील का काम करता है, बैंडेज का यहाँ पर काम करता है। तो अगर किसी को बात करना पर पूछे तो व्हाट्सएप पर आपका कर सकता है।